चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। 9-7 बीटा फंक्शंस के अगले प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे और इस वीडियो से हम फॉर्म नंबर 3 की शुरुआत करने वाले हैं और फॉर्म नंबर 3 के स्टार्टिंग के एक या दो प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इजी रखने वाला हूँ, क्योंकि ताकि तुम लोग को पता चल जाए कि फॉर्म नंबर 3 के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। एंड उसके बाद हम डिफिकल्ट क्वेश्चन से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, तो उसका टेंशन मत लीजिए। ओके, अब प्रॉब्लम के ऊपर जंप करते हैं। सो ये हमारा प्रॉब्लम है, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है। देखो, हमारा प्रॉब्लम किस फॉर्म को बिलोंग करता है, तो आपको क्या लगता है ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो इन तीनों में से किस फॉर्म को बिलोंग करता है? थर्ड फॉर्म को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि दो सबसे बड़े क्लूज हैं हमारे पास। सबसे पहला क्लू है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स है और यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स है, और यही एक ऐसा फॉर्म है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स है, इसीलिए हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म को बिलोंग करता है। और क्लू नंबर 2 इज दैट कि यहाँ पे 0 to π/2 लिमिट्स है और यहाँ पर भी 0 to π/2 लिमिट्स है। तो बेसिकली यहाँ पे हम कंफर्म कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन थर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है। देन उसके बाद स्टेप नंबर 2, जिस भी फॉर्म का क्वेश्चन है एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो अभी हम पूरा वीडियो क्या करने वाले हैं, हमारे क्वेश्चन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका फायदा है कि डायरेक्ट आंसर निकलता है, और डायरेक्ट आंसर निकलने के बाद जो भी हमें फाइनली प्रूफ करना है, जिस भी आंसर पे फाइनली हमें आना है, वो आंसर हम फाइनली निकाल सकते हैं, उस आंसर के ऊपर फाइनली हम आ सकते हैं, ओके, या इजीली आ सकते हैं। अब शुरू करते हैं। अब तुम लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारा एक क्वेश्चन जो है उसमें दो क्वेश्चन छुपे हैं, ये अलग है, ये अलग है, राइट। इसीलिए हम इसको अलग से इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसको अलग से इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 0 to π/2, देन d θ/2, क्या इसको मैं साइन थीटा रेज टू 1/2 लिख सकता हूँ? ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तुम लोग को पता होगा। उसके बाद 0 to π/2, अब इसको भी सेम चीज़ मैं लिखूँगा, 1/2 d θ। अब इसके बाद 0 to π/2, अब इसको मैं ऊपर लेके आऊँगा, साइन थीटा -1/2 हो जाएगा एंड d θ। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि इसको हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें और इसको भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, राइट। तो यही करने की कोशिश हम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 0 to π/2, अब इसको मैं कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? देखो, ये दो उसी फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद इसको मैं हाफ को मैं अंदर लेके आऊँगा, सो साइन रेज टू 1/2 θ हो जाएगा। अब ये तो सॉर्टेड हो चुका है यहाँ तक, बट ये वाला एंटिटी मैं यहाँ पे कहाँ से लेके आऊँगा? इसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉस रेज टू 0 θ लिखूँगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है। एक तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि इसका आंसर कुछ है नहीं, तो बेसिकली यही हो गया, और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि ये उसी फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो है वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में आ गया। अब इसके ऊपर आते हैं, अब इधर भी वही कांड करने वाले हम लोग। देखो, -1/2 को अंदर लेके आएंगे, साइन रेज टू -1/2। अब ये कॉस वाले एंटिटी के लिए क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे जो यहाँ पे की थी हमने, कॉस रेज टू 0 θ d θ, और ये सब वैसे का वैसा। उसके बाद अभी ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म का है, तो बस वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, दैट इज 1/2 बीटा पी प्लस 1/2। तो अभी यहाँ पे पी क्या है, अगर तुम कंपेयर करोगे तो ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, तो पी प्लस 1 दैट इज -1/2 + 1 दैट इज 1/2 एंड 2/2, तो 1/2 / 2 क्या होता है, 1/4 होता है, कॉमा क्यू प्लस 1/2, ये हमारा क्यू है, तो क्यू 0 + 1 दैट इज 1 and 2 दैट इज 1/2। अब इसके ऊपर जंप करते हैं, ये भी एग्जैक्टली उसी फॉर्म का है, सो 1/2 बीटा, ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है, अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, सो पी प्लस 1/2 दैट इज 1/2 + 1 यानी कि 3/2, सो 3/2 / 2 क्योंकि 2/2 भी है, तो 3/2 / 2 क्या होता है, 3/4, कॉमा 0 + 1/2 दैट इज 1/2, राइट। ये आ गया। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, कैसे सॉल्व करोगे? देखो, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या है फॉर्मूला, 1/2 गामा 1/4 एंड गामा 1/2 एंड नीचे दिस प्लस दिस, यानी कि 1/4 + 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 + 4/8 दैट इज 6/8 दैट इज 3/4, सो 3/4
4, और उसके बाद इसका क्या होगा 1/2, देन सेम यहाँ पर भी गामा 3/4, गामा 1/2 अपॉन 3/4 प्लस 1/2, 3/4 प्लस 1/2, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6+4/8, दैट इज 10/8, दैट इज 5/4, दैट इज 5/4। अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये और ये कट हो जाएगा क्योंकि सेम ही है एंड अपॉन में था। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये इंटू ये, दैट इज सबसे पहले ऊपर 1/4 आ जाएगा, उसके बाद 1/4 वैसे का वैसा, देन इसको हम अंडर रूट पाई लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, एंड उसके बाद इसको भी अंडर रूट पाई लिखेंगे, एंड नीचे उसके बाद गामा 5/4। अभी यहाँ पे 1/4 गामा 1/4, इसको आप पाई लिख सकते हो अपॉन, अगर इसको तुम कैलकुलेट करोगे अकॉर्डिंग टू गामा फॉर्मूलेज लाइक अकॉर्डिंग टू दिस, इट वुड बी 1/4 गामा 1/4, और ये पाई, और ये हमारा फाइनल आंसर है।